अल्लाम जी मैं हूं कामरान चौधरी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद कामरान चौधरी सो so, आज के लेक्चर में हम लोग फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का जो पेपर था 2023 वाला उसके हम लोग एम सॉल्व करेंगे अब ये एम जो हैं ये इस लिहाज से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि आपको पता है 2022 से जो है ना वो एस एल हो गए थे ठीक है तो ये जो 2023 का पेपर था ये भी एस एल ओज बेस्ड था और काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं एम सी क्यूज़ के रिपीट होने के ठीक है तो एनी हाउ यह मैं आपको डिटेल से तो यहाँ पे सॉल्व तो नहीं करवाऊँगा इतना टाइम नहीं होगा बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा फिर अगर मैं एक एम सी क्यू सॉल्व करवाने लग गया हाँ ये है कि मैं क्वेश्चन पढ़ के उसका मैं आपको आंसर बताता जाऊँगा ठीक है तो ये आपने वीडियो गौर से देखनी है और अपने फ्रेंड्स सर्कल में शेयर भी करनी है ठीक हो गया सो so, सबसे पहले हम लोग देख, देख लेते हैं पहला एम ठीक है और पहले एम में आ, वो आपसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डाइमेंशन लेस क्वांटिटी और ऑप्शन हैं आपके पास स्ट्रेन स्प्रिंग कांस्टेंट, के यंग्स कांस्टेंट, वाई या स्ट्रेस इन चार ऑप्शन में से आपने यह बताना है कि कौन सी डायमेंशन लेस क्वांटिटी है ठीक है इन फिजिकल क्वांटिटीज में से तो इसका जो आंसर है वो क्या है ए है स्ट्रेन ठीक है स्ट्रेन की कोई डायमेंशन नहीं होती सेकेंड एमसी क्यों क्या है रियल एंड अपेरेंट वेट ऑफ ए बॉडी सीम टू बी इक्वल वैन बॉडी मूव विद एक्सलेशन acceleration is greater than gravitational acceleration acceleration is equal to gravitational acceleration acceleration is zero and acceleration is smaller than gravitational acceleration ठीक है Real और apparent weight वो बोल रहा है कि कब equal होते हैं ठीक है कि body जो है वो किस acceleration से मूव कर रही हो acceleration कितना हो कि रियल और अपारेंट वेट जो है वो इक्वल हो जाए ठीक है तो इसका जो आंसर है तो वो है सी एक्सेलरेशन की वैल्यू जब ज़ीरो होती है तो रियल और अपेरेंट वेट जो है वो इक्वल होते हैं ठीक है थर्ड एम क्यों है ग्रेविटी परफॉर्म्स ज़ीरो वर्क व्हेन बॉडी मूव्स जब बॉडी मूव कर रही होती है तो उस पर ग्रेविटी कोई वर्क नहीं कर रही होती तो किस तरह से बॉडी मूव कर रही होती है किस एंगल पे बॉडी मूव कर रही होती है कि ग्रेविटी जो है वो जो ग्रेविटी का वर्क डन है वो ज़ीरो होता है ठीक है ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं या बॉडी वर्टिकली मूव कर रही हो या 30 डिग्री के एंगल पे मूव कर रही हो या 60 डिग्री के एंगल पे मूव कर रही हो या हॉरिजॉन्टली मूव कर रही हो तो इसका जो आंसर है वो डी है हॉरिजॉन्टली ठीक है जब बॉडी बॉडी जो है वो हॉरिजॉन्टली मूव कर रही होती है तो ग्रेविटी का जो वर्क डन होता है बॉडी के ऊपर वो जीरो होता है नेक्स्ट एमसीक्यू है विच वन इज़ ट्रू फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए कौन सा ऑप्शन ट्रू है ऑप्शन ए है डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो ऑप्शन बी है डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू ऑप्शन सी है डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू एंड ऑप्शन डी है डेल्टा क्यू इज इक्वल टू जीरो तो इसका जो आंसर है वो ये है डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू ठीक है जो फिफ्थ एनसी क्यू है वो क्या है इफ द टेम्परेचर ऑफ सोर्स एंड सिंक ऑफ ए कारनाट इंजन हैविंग एफिशंसी ईटा आर ईच बाय 200 टू हंड्रेड द एफिशिएंसी इटा टू विल ऑप्शन आपके पास मौजूद हैं डिक्रीज होगी बी ऑप्शन है बिकम वन एक हो जाएगी ऑप्शन सी है रिमेन अनएफेक्टेड और ऑप्शन डी है इंक्रीज सो so इसका आंसर क्या है डिक्रीज ठीक है सो so ये फिफ्थ एमसीक्यू हो गया नेक्स्ट चलते हैं सिक्सथ एम एम सी क्यू पे ड्यू टू विच फिनामा डिफरेंट कलर्स अपेयर इन सोप फिल्म इन इन सनलाइट। अब कौन से फिनामिना में वो कह रहा है कि जो सोप होती है उसके अंदर जो फिल्म बनती है ठीक है जब सूरज की रोशनी उस पर पड़ती है तो हमें डिफरेंट कलर्स क्यों नजर आते हैं डायफ्रेक्शन ऑफ लाइट की वजह से स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से इंटरफेयरेंस ऑफ लाइट की वजह से या डिस्पर्जन ऑफ लाइट की वजह से So, इसका आंसर है सी इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की वजह से इन यंग्स डबल स्लीट एक्सपेरिमेंट द फ्रिंज स्पेसिंग इज फ्रिंज स्पेसिंग का क्या फॉर्मूला होता है डी ओवर डेल्टा लेमडा एल लेमडा ओवर एल डी एल ओवर लेमडा डी या लेमडा एल ओवर डी तो इसका आंसर डी है लेमडा एल ओवर डी फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पाथ डिफरेंस डी की क्या वैल्यू होती है सो so, जब हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात कर रहे हैं तो पाथ डिफरेंस क्या होता है एम टाइम्स लेमडा होना चाहिए तो इसका डी ऑप्शन है ठीक है वेन लेंथ ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज डबल्ड द रेशियो ऑफ ओल्ड टू न्यू टाइम पीरियड विल बी जब सिंपल पेंडुलम की जो है, जो है लेंथ डबल हो जाती है तो पहले वाले टाइम पीरियड से जब आप कंपेयर करेंगे ये नया वाला टाइम पीरियड जिसमें लेंथ डबल हो गई है तो आंसर क्या आएगा आपका सी आंसर आएगा वन रेशो टू स्क्र रूट इफ थर्टी वेव्स पास थ्रू ए मीडियम इन विद स्पीड ऑफ थर्टी मीटर पर सेकेंड द वेव लेंथ ऑफ वेव इज सो इसको आप सॉल्व कर लेंगे वन मीटर आंसर आएगा स्टार मूविंग अवे फ्रॉम द अर्थ शो जब स्टार्स दूर जा रहे होते हैं अर्थ से तो रेड शिफ्ट शो होता है ठीक है ऑप्शन बी है इसका फ टेंशन इन ए स्ट्रेच स्ट्रिंग इज मेड फोर टाइम्सिटी ऑफ वेवस बिकम्स ट्वाइस ठीक है डबल हो जाएगी सो ट्वेल्व एम सी यूज हो गए नेक्स्ट देख लेते हैं द डायमेंशन ऑफ स्प्रिंग कॉन्स्टेंट के इज स्प्रिंग कॉन्स्टेंट के की जो डायमेंशन होती है वो क्या होती है एम टी माइनस टू ठीक है तो ए ऑप्शन आ गया इसका द ऑफ प्रोजेक्टाइल एट इट्स मैक्सिमम हाइट इज मैक्सिमम हाइट पे प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी क्या होती है वी आई थीटा होती है ठीक है इफ ए इज ए वेक्टर टू आई माइनस जे प्लस थ्री के देन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज ए का मैग्नीट्यूड क्या आएगा फोर्टीन का स्क्वायर रूट आएगा ठीक है एफ डॉट डेल्टा टी फोर्स और चेंज इन टाइम के जो प्रोडक्ट है जो मल्टीप्लीकेशन है उसका आंसर क्या आता है इम्पल्स बोलते हैं उसको ठीक है इन इक्वेजन ऑफ कंटिन्यूटी द वॉल्यूम फ्लो रेट इज इक्वल टू ए टाइम्स वी एरिया इन टू होता है ठीक है सो ये इस तरह से आपका ये 2023 वाला पेपर सॉल्व हो गया अच्छा अगर आपको लगता है कि मैं एक एक एम जो है वो डिटेल में सॉल्व करवाऊँ तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा ठीक है कोई मसला नहीं है मैं एक एम सी जो है वो फिर आपको सॉल्व करवा दूँगा ठीक है समझा दूंगा डिटेल के साथ तो वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें अपने फ्रेंड सर्कल में थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो अला हाफिज़